एंड गाइस अब मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा इसके साथ रहा है। डेढ़ महीने के अराउंड हो गए एंड मैं चला चुका हूँ इसको 3,500। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि ओला के क्या क्या रीजन है जिससे हमें ओला नहीं खरीदनी चाहिए गाइस। जिस बंदों ने उस चैनल में विजिट नहीं किया ना तो उस चैनल में भी जाके विजिट कर लेना एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गुरुंग ब्रदर्स के नाम से यूजर नेम इधर आ रहा होगा। एंड गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है अपने ओला से रिलेटिव कि ओला हमें बाय क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए हमें ओला। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि ओला के क्या क्या रीज़न है जिससे हमें ओला नहीं खरीदनी चाहिए गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। गाइस देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मुझे खास नहीं लगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी गिरते ही ख़त्म है। ये देखो इसे ग्रैब रेल भी ये दूसरी बार मैंने ठीक कराया है, अब थोड़े कम हिल रही है। देखो ये तभी भी मूव कर रहा है, ये हिल रहा है इसकी। और ये देखो पहले खुल नहीं रहा था, इसको मैंने ठीक कराया, अब जाके खुल रहा है प्रॉपरली तरीके से। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाइस तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ से देखो पैनल इशू भी आने लग गए गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनल इशू आ रखे है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो गाइस स्पीकर, इसकी बॉडी यहाँ से भी ये चीज़ निकलना स्टार्ट हो चुका है एंड ये चीज़ भी यहाँ से निकल चुकी थी तो इसको मैंने ठीक करवाया है। तो वो जो बॉडी पैनल है ना बहुत ज़्यादा बेकार है गाइस। इसके एक्चुअली सीन ये है, अगर आप चला रहे हो ना दिल्ली में तो 40 से 50 के अराउंड चलाओ, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ और ज़्यादा ऑफ रोडिंग मत करो इससे, बिकॉज ऑफ रोडिंग करोगे तो बॉडी पूरी भूल जाएगी क्योंकि गाइस की जो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है देखा जाए तो। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो गाइस इसके जो सस्पेंशन देख रहे हो ना, ये रियर सस्पेंशन, ये टकराता है अगर दो बंदे बैठे हैं ना, हल्का सा कोई गड्ढा आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो ये टकराता है, तो ये लगता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इसकी माइनस पॉइंट लगी। एंड दूसरा है इसका फ्रंट शॉकर, फ्रंट शॉकर भी टकराता है, सिंगल शॉकर दे रखा है, एटलीस्ट दो शॉकर देना चाहिए थे, सिंगल शॉकर दे रखा है, अपने को समझ पर नहीं आया किस रीज़न से सिंगल शॉकर दिया गया है। एंड गाइस जब मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा इसके साथ रहा है, डेढ़ महीने के अराउंड हो गए एंड मैं चला चुका हूँ इसको 3,500। तो एक्चुअली में देखा जाए ना अभी तक किसी ने इतनी नहीं चलाई होगी 3,500 जितना मैं इसको चला चुका हूँ। एंड देखा जाए ना जो मुझे इसमें प्रॉब्लम फेस हुई है ना वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम हुई थी हैंडल वाली, बोलते जब इसका हैंडल लॉक ओपन नहीं हो रहा था, ये मेरे साथ 2-3 बार फेस ऑफ हो चुकी है। एंड सेकेंड हुई थी इसका साइड स्टैंड गाइस, स्टैंड का इशू मुझे एक ही बार आया, वो भी 10-15 मिनट का फेस ऑफ हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद मुझे आज तक कभी साइड स्टैंड का नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट कर रहा था ना तो साइड स्टैंड मैंने हटा दिया था, बट बता रहे थे कि बट नोटिफिकेशन आ रहा था कि साइड स्टैंड लगाए, साइड स्टैंड हटाओ तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, बट मैंने साइड स्टैंड हटा दिया था, साइड स्टैंड नहीं लगा था, तभी भी स्टार्ट नहीं हुई। जब 10-15 मिनट बाद मैंने वापस से ट्राई किया ना फिर स्टार्ट हो गई थी गाइस ये, बट वो प्रॉब्लम मुझे एक बार फेस ऑफ हुई थी। एंड जो सबसे गंदी प्रॉब्लम मुझे फेस ऑफ हुई है ना जिसपे प्रॉपरली तरीके से इससे ट्रस्ट उड़ गया था मेरा, ट्रस्ट इशू भी आने लगे गाइस। और जो ट्रस्ट इसके ऊपर था ना वो पूरा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था, बिकॉज सीन ऐसा हुआ गाइस, पहली बार तो ऐसा हुआ था जब इसमें 8% बैटरी थी, बैटरी हो गई ख़त्म। चलो वो तो घर के पास थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, धक्का मार के मैं ले गया था 1-1.5 किलोमीटर के अराउंड। बट जब दूसरा सीन हुआ ना, दूसरा 25% थी और मैं घर से था कम से कम 15 किलोमीटर दूर और रात के बज रहे थे 12:30 और 12:30 एक के अराउंड उड़ते, जब बैटरी एकदम से बंद हुई ना, मैं चला रहा नॉर्मली चला, मैं सर अभी 25% है और देखा जाए मेरे स्पीडोमीटर में दिखा रहा था 28 किलोमीटर दिखा रहा था, मेरा घर था वहाँ से 12 और 15 किलोमीटर, मैंने कहा ईजिली पहुँच जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अचानक से क्या हुआ, अचानक से नोटिफिकेशन आई, स्पीकर से आवाज़ आई कि आपकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, प्लीज़ जाके चार्ज लगाओ, और 25% से एकदम से 0% हो गई। ओ भाई साहब, रास्ते में बंद हो गई और घर इतना दूर, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक मैंने पैदल धक्का धक्का रहा, रात के बज रहे थे भाई साहब 12:30। तो फाइनली कोई अपार्टमेंट दिखा, वहाँ पे मैंने थोड़ी गार्ड से रिक्वेस्ट करी जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, तो मैंने वहाँ पे जाके चार्ज लगाया इसको 1/2 घंटे के अराउंड, फिर जाके मैं घर पहुँचा। वो तो खुशकिस्मत था कोई मुझे मिल गया वहाँ पे,
अगर सपोज कोई मुझे मिलता नहीं तो कम से कम मुझे 10-15 किलोमीटर धक्का मार के लेके जाना पड़ता, तो हालत ख़राब हो जाती। तो एंड गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि मेरे स्कूटर में इतना परसेंट है, 100% है, मैं इजीली यहाँ जा रहा हूँ, इजीली वापस आ जाऊँगा, तो गाइज वो चीज़ें मत सोचना भाई, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। घर के आस पास ही घूमो, अगर घूम रहे हो तो बाई चांस आपकी ये बैटरी ज़ीरो हो जाती है तो एटलीस्ट आप घर पर पहुँच सकते हो। और कोशिश करो तो रात को मत घूमो, दिन में और शाम में घूमो, बिकॉज हेल्प मिल जाएगी, रात में हेल्प नहीं मिलती गाइस। तो यही सीन था, इस पर भाई साहब ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। और कंपनी को फ़ोन करे वो कहता सॉफ्टवेयर बग है, बट मेरे को तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, सॉफ्टवेयर बग है तो आप लोग को प्रॉपरली तरीके से इसको सॉल्व करके देना चाहिए था, बट अभी उन लोगों ने नया प्रोसेस निकाला है, बोल रहे नया सॉफ्टवेयर निकाला है, पहले था 1.0.8, अब है 1.0.16। तो वो सॉफ्टवेयर से मैंने अपडेट करा चुका हूँ, एंड उस अपडेट जब मैंने कराया था मैंने उनसे पूछा था ये चीज़ मुझे फेस ऑफ हुई है, उन लोगों ने बोला भाई अब आपको ये चीज़ फेस ऑफ नहीं होगी, 3-4 दिन हो चुके हैं ये मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कराए हुए, बट अभी तक मुझे वो चीज़ फेस ऑफ नहीं हुई है। बट देखते हैं आने वाले टाइम में फेस ऑफ होती है नहीं होती, बट ट्रस्ट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कुछ ये भरोसा नहीं है। काफ़ी जगह मैंने देखा भाई सर आग लग गई है स्कूटी में ये, है ना, तो भाई खरीद रहे हो ना तो भाई अपने रिस्क में खरीदो भाई, मैं मेरे हिसाब से वर्तित नहीं है इसको खरीदना। एंड दूसरा सीन ये है, अगर आप लोग एक नई फोटो भी आई थी तो उसका यहाँ पे आ रहा होगा, तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी इतनी बेकार है, स्प्लेंडर से टकराते हैं, इसकी फ्रंट जो व्हील है ना वो पूरा टूट गया, तो एटलीस्ट की जो बिल्ड क्वालिटी ना बहुत अच्छी देनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लो दे रखी है। तो गाइस इंडिया पे रह रहे हो, इंडिया में इतनी अच्छी रोड नहीं है, तो बेसिकली इंडिया के रोड के हिसाब से स्कूटर को बनाना चाहिए था, तो उस हिसाब से स्कूटर को नहीं बनाया गया, वो फीचर्स इसमें एक नंबर के है बट बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है गाइस। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो फर्स्ट डे से लेके अभी तक मुझे फेस ऑफ हो रही है गाइस, वो है इसका ये जो पावर बटन है ना गाइस, वैसे तो सही काम करता है, जब आप चार्जिंग में लगाते हो ना, चार्जिंग से जब आप लोग हटाते हो तो कम से कम 10-15 सेकंड तक ये बटन काम नहीं करेगा, जितना भी दबा लो काम नहीं करेगा, बट ये मुझे समझ में आया ये कौन सा इसमें प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन है मुझे कुछ बताया नहीं है, 10-15 सेकंड तक ये बटन काम नहीं करता, देन उसके बाद ये जाके काम करता है, जब चार्जिंग में लगाते हो ना फिर जब चार्जिंग से हटाओगे फिर ये काम नहीं रहेगा। पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सबके साथ है ये मुझे नहीं पता, अगर सबके साथ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहा जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है गाइस। एंड गाइस और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी तो मैंने आपको बता चुका हूँ इतनी खास नहीं है, एंड ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं है, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग ले रहे हो तो अपने रिस्क पे लेना। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहने वाला हूँ, जो उसका सर्विस सेंटर है ना भाई, उनका जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा बेकार है, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है, एटलीस्ट आपने स्कूटर लिया था रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आना चाहिए था, कहीं भी कॉल वॉल करो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, किसी कंप्लेंट के लिए भी करो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ ओला वालों को कि अपना मैनेजमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इसी से आपकी कंपनी जल्दी से जल्दी ग्रो होगी एंड जल्दी से जल्दी इसके लवर्स बढ़ेंगे। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना सर्विस की, अगर आपकी सर्विस अच्छी हुई ना तो भाई आपके व्हीकल्स के ना लवर्स बहुत जल्दी बनेंगे, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आज के कैमरा मैन है हमारे गट्टू भाई, दिस साइड इज गट्टू, तो ये हमारे आज के मैनेजर है। तो अमित, अगर आप ये वीडियो देखो तो आपकी नौकरी जा चुकी है, यू आर फायर, निकलो यहाँ से। तो गट्टू कुछ बोलना चाहते हैं? लैम्बी चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस यही कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है तो इसकी बात एटलीस्ट सुन ही लेना, अगर जो जो मेरे चैनल में नया आया तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर देना, अगर आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आके लाइक एंड कमेंट तो जरूर करके जाना, ऐसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो भी मिलेगी, टिल देन बाय बाय।